मेरे बहुत ही अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज बहुत अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है जिस कर्ब से आप गुज़र रहे हैं, मेरा इशारा महंगाई की तरफ है। मेरा इशारा ख़ास तौर पे महंगे बिजली के बिलों की तरफ है। और आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर जब मीनारे पाकिस्तान में मैंने गुफ्तगू की थी, तो बिजली के मसले पे मैंने काफ़ी मिनट गुफ्तगू की थी और मैंने बिलों को भी आपके सामने पेश किया था कि मेरे ज़माने में बिजली का बिल कितना हुआ करता था और आज कितना हो गया है। तो मैं उस दिन से लेके आज तक आपका कर्ब महसूस करता हूँ और कर रहा हूँ, आपकी तकालीफ को भी महसूस करता हूँ। और मेरा जहन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है, और जाना भी चाहिए क्योंकि उस वक्त अल्लाह के फजल व करम से कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल बहुत कम आते थे, आपकी आमदनी आपके अखराजात से ज़्यादा थी, आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे थे, बच्चे माशाल्लाह आपके स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, और फिर घर का खर्चा भी चलता था, बिजली का बिल भी अदा होता था, घर का किराया भी आप अदा करते थे जो अदा कर रहे हैं। और मुझे, मैं सुनता था कुछ लोगों से कि कुछ रुपया महीने के ऊपर बच भी जाता था, जो कि गालिबन आप जमा करते थे अपने बच्चों की शादी के लिए। और ये तो एक बड़ा अच्छा अल्लाह के फजल व करम से ज़माना था। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, ये मैंने उस दिन भी कहा था, और ये मैं इसका जाती तौर पे इसलिए गवाह हूँ, विटनेस हूँ, कि जिस दिन मैं 2013 में वज़ीर आज़म बना, तो मैं कोई 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस्लामाबाद की वेजिटेबल मार्केट में गया और वहाँ मैं मुख्तलिफ ग्राहकों से भी मिला जो कि वहाँ सब्जियाँ खरीद रहे थे, और फिर मैं दुकानदारों से भी मिला। मैंने रेट चेक किया, बहुत सारी सब्जियों के रेट जो थे वो 10 रुपए किलो थे, कुछ ज़्यादा होंगे थोड़े से, कुछ कम होंगे। ये था वो ज़माना, और उस वक्त पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट की हालत में था, तकरीबन डिफ़ॉल्ट की हालत में था, जिसको हमने जब टेक ओवर किया, जब हमने अनाने हुकूमत संभाली, तो हमने उस मईशत को अल्लाह के फजल व करम से ना सिर्फ ठीक किया बल्कि दुनिया की बेहतरीन तरक्की वाली कौमों में पाकिस्तान को शामिल किया। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया कहती है। उठा लें आप दुनिया के वो मैगजीन्स और अखबार जो कहते थे कि पाकिस्तान चंद सालों में एक मुआशी कुव्वत बनने वाला है और यहाँ पे अपना इस खित्ते में एक मिसाली तरक्की वाला मुल्क बनने वाला है। और आप जानते हैं डॉलर जो है वो हम उसको 95 रुपए लेके आए, 95 रुपए का एक डॉलर था। फिर वो डार साहब का और मेरा मशवरा हुआ, तो इसहाक डार साहब की बात कर रहा हूँ, तो हमने उसको फिर 104 तक ले गए। वो कुछ गालबन एक्सपोर्ट्स का मामला था, दूसरे मामला थे, तो फिर 104 पे रखा उसको। कितने दिन? 4 साल, जब तक कि मुझे निकाल नहीं दिया गया, डॉलर 104 पे रहा। और मुझे निकाला, आप जानते हैं कि चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने
अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है कि इस पे एक वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है? इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, मैं और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। इसलिए निकाला कि उस 104 रुपये वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपये पे पहुंचा दिया जाए। इसलिए निकाला कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे क्योंकि फीस नहीं दी जाती। इसलिए निकाला कि 35 रुपये किलो आटा जो उस वक्त मिलता था आज बहुत महंगा हो गया। कुछ 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 मुझे पता लगे कि क्या ये वजह मुनासिब थी एक वज़ीर आज़म को निकालने की। उन्होंने पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म को मजाक यानी कि एक बात लगती जिस पे निकाला, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत पे पहुंचाया है, जिन्होंने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे इन सब चीज़ों को देखकर दुख होता है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं उन लोगों को क्या कहूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने, मुल्क के साथ ज्यादती की। मैं जब से ये बनी है वज़ीरे आला मरियम नवाज़, जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीरे आज़म बने हैं, मैं मुतवातर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफ़ान ख़त्म करें। और इस ये हमने नहीं किया, ये करने वाले कोई और लोग हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे कोई आर नहीं है, इमरान खान के ज़माने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज़ कह दिया था कि अब भाई अब आइंदा है, और उन्होंने खुद कहा था कि अब पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, वो खुद कह गए थे। और दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान भी IMF से आज़ाद हो गया है, उनकी ग़ुलामी से आज़ाद हो गया। लेकिन फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, ये नहीं है शहबाज शरीफ नहीं है, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं, वो हैं जो दोबारा IMF को लेके आए। अगर मैं 104 रुपए पे डॉलर छोड़कर गया था और 4 साल 104 पे रहा, तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि अगर मुझे मजीद पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिलता तो डॉलर 104 पर ही रहता, ये सब्जियां भी महंगी ना होती, ये बिजली का रेट कभी महंगा ना होता। और हम तो अल्लाह के फजल करम से वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर से लोड शेडिंग का खात्मा किया। 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी इस मुल्क में, आप बताएं आप गवाह हैं, होती थी या नहीं होती थी? किसने ख़त्म की लोड शेडिंग? किसने वो तमाम बिजली के कारखानों को चलाया दोबारा, नए बिजली के कारखाने लगाए? और मैं जब 2013 में वज़ीर आज़म बना था तो मैंने कहा था, बनने के बाद नहीं बनने से पहले 2013 में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हम लोड शेडिंग का मसला अपने इस दौरे हुकूमत में ख़त्म करेंगे, यानी 5 सालों में ख़त्म करेंगे। लेकिन हमने 5 सालों से बहुत पहले ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमें दर्द था। मेरे साथ शहबाज शरीफ भी भागता था, वज़ीर आला पंजाब था, मैं भागता था, दिन रात भागते थे। और वो रिकॉर्ड पीरियड में एक
रिकॉर्ड अरसे में हमने वो बिजली के कारखाने मुकम्मल किए और उस पे मैं मशकूर हूँ अपने दोस्त मुल्क चीन का, जिनके तावुन से सीपैक के तहत हमने वो कारखाने लगाए और बिजली के बहरान पे 3 सालों में काबू पा लिया। आप जानते हैं, आप गवाह हैं, और बिजली का रेट भी महंगा नहीं होने दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिनको आज 18-18 हज़ार रुपये का बिल आता है, उस ज़माने में 2017 में 1600 रुपये का बिल आता था, और आज 18 हज़ार का ज़रा अंदाज़ा करेंगे, गरीब कहाँ से देगा इतने पैसे, कहाँ से देगा, कहाँ वो बाल बच्चों का पेट पालेगा, या वो इतने अपना बिलों में अपनी सारी तनख्वाह को उजाड़ देगा। मैं मरियम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शाबाश भी देता हूँ, इन्होंने आते साथ ही आटे की कीमत पे काबू पाया और आटे की कीमत को कम किया। गंदम की कीमत कम हुई और आटे की कीमत कम हुई, रोटी इसका नतीजा है, रोटी की कीमत कम हुई, बहुत बड़ी बात है ये, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और दिन रात माशाल्लाह ये अपने कभी हाउसिंग के प्रोग्राम के पीछे भागती हैं, कभी हेल्थ के मसाइल को आगे हल करने के लिए आगे भागती हैं, कभी एजुकेशन के लिए भाग दौड़ कर रही होती हैं, दूसरे फील्ड्स में आती जाती हैं। सफाई का बहुत इनका है कि जी दिन रात सोचती रहती हैं कि सफाई पूरे पंजाब के अंदर किस तरह से बेहतरीन सतह पे लाई जाए, और पंजाब के रूरल जो एरिया हो या अर्बन एरिया हो, गांव का हो या शहरी हो या देहाती हो, मुसावी तरक्की वहाँ पे होनी चाहिए और आवाम की हालत सुधरनी चाहिए। तो ये लोगों को आसान जो है ना शर्तों पे घर बनाने की सहूलतें मुहैया की जाएं। तो भाई आप मुझे बताएं कि ये आखिर सब कुछ किसने किया, कौन है इसका ज़िम्मेदार? अगर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ तो फिर कोई ना कोई तो है ना, और वही है जो हमारे बाद में आए। तो जिनके ज़माने में, हमारे ज़माने में बैंक का इंटरेस्ट रेट तो था 5.25% था, 5.25, कौन है जो उसको 22% पर लेकर गए, बताएं? मैं पूछना चाहता हूँ। आज भी 19.5% पे आज है। अब मुझे बताएं कि कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा, कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो उसके लिए जद्दोजहद करेगा कि सस्ती एक्सपोर्ट्स हम मुल्क से करें? कहाँ कहाँ ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? हम तो बिल्कुल, अब हमने तो जकड़ दिया गया है जो शरायत हैं IMF की हैं या दूसरी हैं। और कौन है वो लोग जो मुल्क के लिए $1-1 बिलियन मांगने कशकोल लेके मेरे बाद जाते रहे हैं? ज़रा वो नाम तो मुझे बताएं ना, मुझे पता लगना चाहिए। हम तो वो हैं जिन्होंने अपने कर्जों को, गैर मुल्की कर्जों को अदा किया। ये जो मोटरवेज बनाई है, ये कोई मांग तांग के नहीं बनाई हमने। ये जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है, इनको हमने किसी से कोई कर्जा लेके मांग, किसी से कोई भीख मांग के बनाई है? अपने वसाइल से बनाई है ये, अपने जोरे बाजू पे बनाई है। और अगर वो एक सिलसिला दौर वो जो चला था 1991 में, अगर वो आज तक चलता रहता तो हम तो एक दुनिया की खुशकिस्मत तरीन कौम बन चुके होते, बहुत बड़ी एक कौम बन चुके होते, एशियन टाइगर ना होते बल्कि दुनिया में हमारा एक मकाम होता। मैं तो अभी 1990 की बात कर रहा था। अगर ये मुल्क एटमी कुव्वत के बाद अगर इसको भी सही तरह चलने दिया जाता, खलल ना आते, तो आज पता नहीं हम उसके बावजूद भी दुनिया में एक बड़े बाइज़्ज़त मकाम पे पहुंचे होते। और तो छोड़ें, वो भी दूर की बात समझें, लेकिन 2017 में
हमें साजिश के तहत ना निकाला जाता तो हम आज फिर भी हम कोई ना कोई मुकाम हासिल कर चुके होते। ज़रा कोई मुझे जवाब देगा कि ये क्यों निकाला गया, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए। ये सब बातें आपको सोचनी चाहिए, सोचनी चाहिए। मैं अपना इक्तदार का ख्वाहिशमंद इंसान नहीं हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैंने इस मुल्क की खिदमत बड़े सिद्ध के दिल से की है, लेकिन आज मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है कि हमने अपने मुल्क के साथ किया क्या है, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। नाकाबले माफ़ी हैं वो लोग जो आज 1600 के बिल को 18,000 करके चले गए, जो आज पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सामान करके चले गए हैं। प्लीज़ आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों के धोखे में ना आए। देखें आपके लिए इस मुल्क में, इस मुल्क के अंदर किसने क्या किया, और इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट किसने किया है। मुझे इन सब बातों के ऊपर जब मैं नज़र दौड़ती है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, और बड़ी अफसोस की बात है ये कि इस मामले में जो है वो मेरा दिल बहुत दुखी है, और मैं आपसे अपना दुख ज़्यादा तफसील में कभी बयान भी नहीं करता, नहीं बयान करता मैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ जिम्मेदारियाँ कौम की भी हैं जो कौम को पूरी करनी चाहिए थी, जो 2017 में हो रहा था, जो एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश हुई उसको निकाला गया और उसके कई सबूत भी मौजूद हैं। तो नवाज़ शरीफ आज अपना ये कहना चाहता है कि मैंने वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब से भी बात की है और मरियम नवाज़ शरीफ से भी बात की है, तो ये ख़ुद दोनों ये नहीं कि मैं उनको कहा है तो उनको इस बात का एहसास हुआ है, इनको पहले से ही एहसास है, और ये पिछले 5-6 माह से इन्हीं लाइंस पे सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के इस मज़लूम जो तबका है उसको किस तरह से हम आसूदगी दें, किस तरह से हम उसको सुकून दें और किस तरह से रिलीफ दें ताकि उनका बोझ हम बांटें, बोझ बांटें और उनको बेयारों मददगार ना छोड़ दें। और मैं अपने उस दुख की वजह से आज इतने अरसे के बाद फिर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ कि मुझसे ये सूरत हाल देखी नहीं जाती, मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। और दिन रात मैं इनसे यही बात करता हूँ कि इस सिचुएशन को, चाहे अब ख़राब हुई है, जिसने भी ख़राब किया है उनके बारे में मैं कह चुका हूँ कि उनका मुहासबा होना चाहिए, मगर ये अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको ठीक करें और आवाम को सुकून दें ताकि वो आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी गुजार सकें। तो उस हवाले से जो है वो शहबाज़ शरीफ साहब ने अभी कुछ अरसा पहले जो वो 100 से 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, जो कि गालबन अरबों रुपए का रिलीफ है। इसी तरह से मरियम ने जो है वो भी अभी ये फैसला किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसकी सरबरा ये बैठी हुई हैं, कि गर्मियों के महीने में बिल ज़्यादा आता है और आवाम को बड़ी तकलीफ़ होती है, और यही वो गर्मी के महीने हैं, इसलिए इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की
कोशिश की है और रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया इन्होंने, और वो रिलीफ जो है ये अपना देंगे, जो कि इंशाल्लाह ज़ीरो से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। उन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है, इन्होंने कटौतियाँ की हैं बहुत सारी जगहों पे, तरक्कियाती फंड्स को कम करके इस तरफ इन्होंने मुंतकिल किया है। और मैं जी बिल्कुल मैं यही कहना, 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है, लेकिन इसको अब यहाँ नहीं छोड़ रही है, यहाँ पे ये नहीं छोड़ रही है। शहबाज साहब से भी बात की है, इन्होंने अभी आइंदा जो है वो लोगों के लिए मज़ीद रिलीफ देने के बारे में ये सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही हैं, जो लोगों को इंशाल्लाह वो सोलर पैनल्स दिए जाएंगे, ताकि उनका आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। और ये बहुत बड़ी एक, और सुना है उन्होंने 700 अरब रुपया खर्च करने का प्रोग्राम बनाया है सोलर पैनल्स गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लासेस के लिए वो दिया जाएगा, मुतवस्सत तबकों के लिए दिया जाएगा। और अभी जो इन्होंने मुझे कहा है, जो कोई 14 रुपए फी यूनिट जो दिया जा रहा है रिलीफ, बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, उस पर 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। और ये 45 अरब रुपया मुख्तलिफ शोबों से निकाल के जो है ना वो इस प्रोग्राम में डाला जा रहा है, जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों को सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, और उनके अखराजात में इंशाल्लाह ताला कमी आएगी। बहुत इनको शाबाश देता हूँ, और शहबाज साहब से भी, उनको भी शाबाश देते हुए कहूँगा कि वो भी आइंदा सोलर पैनल्स के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल के कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर तआवुन करें, और बाकी सूबों के साथ भी करें। मेरी बाकी सूबों से भी यही गुजारिश होगी, उन हुकूमतों से भी यही गुजारिश होगी कि वो भी आवाम के लिए रिलीफ की इसी तरह की सूरत हाल पैदा करें, क्योंकि उनके दिलों में भी अपने सूबे के आवाम के लिए बहुत दर्द है, और मुझे यकीन है कि वो भी उनकी फलाह के लिए, उनकी अपना सुकून के लिए इंशाल्लाह इस किस्म के इकदाम करने से गुरेज नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं कुछ दिल की बातें आज की हैं, कुछ फिर किसी वक्त करूँगा, और ज़रूर इंशाल्लाह आपसे मेरा राबता किसी न किसी शक्ल में रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महंगाई से परेशान